नमस्कार, मैं सुजल दवे। आप सभी जानते हैं कि हम किसी न किसी राजनीतिक मुद्दों की चर्चा करने के लिए अक्सर रूबरू होते हैं, लेकिन आज जिस विषय को लेकर मैं आपके साथ आया हूं वो राजनीतिक नहीं है, इसलिए आप उसे नॉन पॉलिटिकल कह सकते हैं। आज का मुद्दा मेरा व्यक्तिगत मुद्दा है और मैं चाहता हूं कि आप दर्शक मेरे साथ इस पल रहे। मैंने देखा है कि टीवी के जमाने से अक्सर दर्शकों के एक समूह को मैंने अपने आसपास बनते हुए देखा था। वो मुझे हमेशा से प्रेरणा देते रहे, शक्ति देते रहे। सही मानिए तो मेरी असली ताकत आप ही थे, आप है और आप ही रहेंगे। तो इस खुशी के पल मैं आपको कैसे दरकिनार कर सकता हूं। आज मौका है, एक ख्वाब पूरा हुआ है जिसके चलते आप लोगों को शामिल कर रहा हूं। मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूं मेरी ड्रीम पिस्टल 1911 कॉल्ड। ये पिस्टल आप देख सकते हैं, मैंने आज ही परचेस किया हुआ है। 2004 से मैं आर्म्स लाइसेंस मेरे पास था, 32 कैलिबर में कैरी करता था। ये मेरी पुरानी रिवॉल्वर है जो इंडियन ऑर्डिनेंस की है। इस पिस्टल के बारे में मैं आपको बताऊं उसके पहले कुछ बातें आपको जाननी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि 1911 कॉल्ड ये अमेरिकन पिस्टल है। पिस्टल के बारे में जब भी आप चर्चा करेंगे या यूट्यूब पे कुछ भी खंगालेंगे तो आपको हजार वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन इस पिस्टल की हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगी। आप सभी जानते हैं कि मैं किसी भी प्रोडक्ट की बात करता हूं या किसी भी चर्चा में आपके साथ रूबरू होता हूं तो मैं गहराई में जाने का ट्राई करता हूं। आज भी वही प्रयास किया है। 1911 कॉल्ड है, ये अमेरिकन पिस्टल है। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इस पिस्टल के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि भारत में मेरे जैसे नागरिक हथियार किस तरह से ले सकते हैं। थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, आजादी से पहले की बात है। 1879 में लॉर्ड लेटन हुआ करते थे, हमारे वाइसरॉय थे। भारत में अंग्रेजों का जो शासन था उसको मजबूत करने के लिए और हम भारतीयों को कमजोर करने के लिए एक लॉ पास हुआ था जिसके तहत कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता, हथियार नहीं बना सकता और उसकी बिक्री भी नहीं कर सकता। कुल मिला के हमारे पास से वेपन रखने का या उसे चलाने का अधिकार अंग्रेजों ने ले लिया था। 1947 के अंदर जब हम आजाद हुए तब प्रधानमंत्री पहले थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने 1959 के अंदर इस लॉ में कुछ बदलाव किए और नेहरू ने संसद में ये कानून पास कर दिया कि सिविलियन यानी कि भारतीय भी अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार रख सकते हैं। तब से भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार मिला है। आप सीधी तौर पे कह सकते हैं कि मेरी तरह जो भी भारत में वेपन कैरी कर रहा है उसका टोटल श्रेय अब नेहरू को जाता है। 1959 में आर्म्स एक्ट में कुछ बदलाव आए। 1962 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी नेहरू की मौत के बाद, तब उन्होंने कुछ बदलाव किए। पहले ऐसा था कि राजा अनलिमिटेड वेपन रख सकते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने कुछ बदलाव किए और 1962 से कोई भी सिटीजन हो, आम हो या खास हो, 3 वेपन से ज्यादा कैरी नहीं कर सकता है। ये 1962 में लॉ लाया गया इंदिरा गांधी के जरिए। जब ये पिस्टल की बात करता हूं और जब मैं इसके साथ विदेश का नाम जोड़ता हूं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक अलग से कहानी चल रही है कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तब से भारत सरकार ने विदेशी हथियारों को बैन कर दिया था। दरअसल वो गलत है। आप जब आर्म्स एक्ट को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि 1962 में भारत की इंडियन ऑर्डिनेंस जो थी उसको मजबूत बनाने के इरादे से भारत सरकार यानी कि उस वक्त इंदिरा गांधी थी, उन्होंने विदेशी हथियारों के इम्पोर्ट को बैन कर दिया था ताकि भारतीय भारत में बने ही हथियार ले सके और भारत की जो इंडस्ट्रीज है वो आगे बढ़े। इंदिरा गांधी ने करीबन 40 या 50 मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस दिए थे हथियार बनाने के, पर वो केवल 12 बोरी बना सकते थे, रिवॉल्वर पिस्टल नहीं बनता था। रिवॉल्वर जो बनने लगे 1962 के बाद इंडियन ऑर्डिनेंस ने, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा पुराना है, ये इंडियन ऑर्डिनेंस ही बनाती थी, लेकिन जो भी गन लवर है उनको लगता था कि विदेशी हथियार होना चाहिए क्योंकि इंडियन ऑर्डिनेंस ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया था
और हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो जो भी लाइसेंस होल्डर था वो मजबूरी में कैरी करता था इंडियन ऑर्डिनेंस की .32 कैलिबर रिवॉल्वर, जैसे मैं करता था। लेकिन इंडियन ऑर्डिनेंस जब अपग्रेड नहीं हुआ, तब 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्म्स एक्ट में कुछ बदलाव लाते हैं। उन्होंने बदलाव लाए और उन्होंने कहा कि जो भी विदेशी कंपनियां हैं जो हथियार बनाती है वो भारत में आए, उनको इन्विटेशन दिया, बशर्ते आप हथियार इंपोर्ट नहीं कर सकते, मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के तहत आप यहां पर आए, यहां हथियार बनाए, यहां के लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके साथ आप कोलैबोरेट कीजिए। तो 2016 में जब ये बदलाव आया तो कई कंपनियां आई, रिसर्च करने पे पता चला कि 250 से 300 के बीच में कंपनी आई है, कई आई है, कई आ रही है, काफी कुछ चला। लेकिन जैसे कोल्ट आई तो कोल्ट ने मल्होत्रा एंड सन्स के साथ कोलैबोरेशन किया, टॉरस आई तो उसने जिंदाल के साथ किया, ग्रेटा आई, वेबले आई, वेबले हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली इसका नाम वेबले है लेकिन ठीक है हम भारतीय है। तो इस तरह से कंपनी आई, तो मल्होत्रा एंड सन्स MSD मल्होत्रा सन्स एंड डिफेंस, उसने 1911 इस पिस्टल को डिजाइन किया और मैन्युफैक्चर करके आपके सामने रखा। 2021 में फाइनली उसका ओवर, 22 में इसकी बिक्री शुरू होनी हो गई। 1911 कॉल्ट यानी के जॉन ब्राउंडिंग थे, उन्होंने 1911 में इस पिस्टल को डिजाइन किया था US में। तब से ये पिस्टल सबसे पॉपुलर है, खास करके US आर्मी में पॉपुलर है। US आर्मी इसको सर्विस पिस्टल कहती है और US आर्मी इसको कैरी करती है 1911 कॉल्ट को। वो कॉल्ट से MSD यानी कि मल्होत्रा सन्स एंड डिफेंस ने कोलैबोरेशन किया, उसका पैटर्न लिया, उसको पहले रजिस्टर्ड नहीं था फिर रजिस्टर्ड करवाया और ये पिस्टल आपके सामने रखी है। ये इसके साथ आपको कई एक्सेसरीज मिलेंगी, तो आपको दिखा दूंगा मैं। ये इसका मैगजीन है जो 7 राउंड का आता है, इसमें कई मॉडल है लेकिन इस मॉडल की मैं बात करने जा रहा हूँ आपको। ये लिमिटेड एडिशन है MSD 1911 कॉल्ट XLR सीरीज कहा जाता है। जब कंपनी ने इस मॉडल को बाजार में बिक्री के लिए रखा तो 25 ही पीस बनाए थे, जिसमें से अहमदाबाद में 2 या 3 पीस आए थे। मेरे हाथ में जो पिस्टल है वो शायद आखिरी पिस्टल है और आप ये कह सकते हैं कि मैंने ये पिस्टल ले लिया, तो अहमदाबाद में केवल मैं ही हूँ एक्सक्लूसिवली कि जिसके पास इस मॉडल का पिस्टल है। अहमदाबाद में करीबन 6,500 से 7,000 आर्म्स लाइसेंस इश्यू हुए हैं, किसी के पास आपको ये मॉडल नहीं मिलेगा। कंपनी ने इसके बाद कई गार्डियन बनाया और दूसरे भी कई मॉडल बनाए हैं, लेकिन ये मॉडल लिमिटेड एडिशन है और इंडिया के अंदर केवल आपको 25 मिलेंगे। अहमदाबाद में केवल एक है और वो मेरे पास है। ये 45 कैलिबर का है। सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि जब आप हथियार लेते हैं तो आपको लाइसेंस जो इश्यू होता है वो 32 कैलिबर या उसे नीचे का आप परचेस कर सकते हो, उसके ऊपर आप कैरी नहीं कर सकते। 45 कैलिबर एक पंजाबी एक अलग स्टेट था जहां नॉन प्रोहिबिटेड था, लेकिन 2016 में मैंने बताया जो आर्म्स एक्ट चेंज हुआ उसके तहत पूरे इंडिया में इसको NP बोर कर किया गया। तो ये 45 कैलिबर है, इसका कार्टिस सबसे बड़ा आता है। जो गन लवर है वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो पुलिस है वो भी 38 कैलिबर कैरी करती है, जो उसका सर्विस पिस्टल होता है वो भी 38 कैलिबर है। ये उससे भी अपग्रेड है, ये 45 कैलिबर का कार्टिस है। आप जब भी हथियार खरीदने के बारे में सोचे या लाइसेंस ले, तो हथियार लेने से पहले कम से कम इस चीज को देख लीजिएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके दूसरे मॉडल आपको मिलेंगे ये नहीं मिलेगा, और जब आप दूसरे मॉडल लेने जाएंगे तो इसका दाम एक जगह कहीं पे फिक्स नहीं है, अलग अलग तरीके से आपको मिलेगा, कहीं आपसे पैसे ज्यादा लिए जाएंगे, कहीं रिजनेबल रेट होगा, वो अलग से एक चर्चा है। लेकिन जब मैंने लिया है अहमदाबाद के सैटेलाइट एरिया के अंदर अराइस गन हाउस है, ये मेरे दोस्त है, ये गन हाउस के ऑनर है भार्गव भाई, इन्होंने मुझे बहुत ही रिजनेबल रेट पर दिया है।
मैं दावा करता हूं कि इंडिया में कोई भी गन हाउस के अंदर इस रेट में आपको MSB 19 कॉल्ट नहीं मिल सकता। आप अगर लाइसेंस होल्डर है और हथियार लेना चाहते तो एक बार इंक्वायरी भी जरूर कीजिएगा और रेट को जांच कीजिएगा कि आपको कहां से कितने में मिल रहा है और अराइज आपको कैसे दे रहा है। भार्गव भाई ने बहुत कुछ मुझे गिफ्ट किया हुआ है, सबसे पहले तो उनका मैं शुक्रगुजार रहूंगा कि इन्होंने मुझे 1911 सजेस्ट की। जब मैंने पिस्टल देखी तो मुझे पसंद आ गई। उनके सहयोगी है नमन, नमन ने मुझे इसकी पूरी जानकारी दी। नमन ने एक बहुत अच्छी बात बताई, देख लीजिएगा ये खाली है, एम्प्टी है मेरा मैगजीन जो मैं इसको लोड करने जा रहा हूँ। नमन ने मुझे बहुत अच्छा बताया हाँ कि जब भी आप पिस्टल लोड अनलोड करें तो याद रखिए हमेशा टिगर के ऊपर आपकी उंगली ना हो, आप इस तरह से पिस्टल को पकड़ सकते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि लोग इसमें उंगली डालकर ही लोड अनलोड करते हैं तो इसमें एक्सीडेंट के चांसेस कुछ बढ़ जाते हैं। एक्चुअली जब आप इस तरह से लोड अनलोड करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। और पिस्टल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब आप इसको कॉक करते हैं तो आपके उसमें चेंबर के, जैसे आपने कॉक कर लिया ये, इसके बाद चेंबर के अंदर आपका एक राउंड चला जाता है, ठीक है। ओ नया है, सीख जाऊंगा। खैर तो जब भी आप एक खोलेंगे तो इसमें आपका राउंड नहीं होगा, उसको आप निकाल लीजिए और इसी तरह से आप पकड़िएगा, कभी भी नहीं। और एक कहानी चल रही है कि पिस्टल से एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, डेफिनेटली होते होंगे, लेकिन आप ये नेग्लिजेंसी आपकी होगी तो होंगे, अदरवाइज ये सबसे बेहतरीन हथियार है। और खास करके जो इंडिया के गन लवर है, एक ही ऑप्शन इंडियन ऑर्डिनेंस का लेके सभी चल रहे थे, ये पुराना रिवॉल्वर मेरा है वही सबके पास हुआ करता था, अब उनके पास इस तरह के कई ऑप्शन बाजार में मिलेंगे। पर 45 कैलिबर आपको लेना हो तो एक बार अराइज में आइएगा, इसको आप फिजिकली देखिएगा, रेट की आप वेरिफिकेशन कीजिएगा, आपको और गनाओं से अलग से मिलेगा। और मैं सजेस्ट करता हूं अगर आप नया ले रहे तो 32 कैलिबर से अच्छा है आप 45 ले लीजिए। तो ये मैंने आज लिया है तो आप लोगों को सही कर रहा हूं, और वाकई अब वक्त आ गया है थैंक्स कहने का। तो आज मैं थैंक्स कहूंगा मैं भार्गव भाई का कि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, और मैं थैंक गॉड कहूंगा क्योंकि मैंने अपने जीवन की यात्रा पैदल अपने घर से शुरू की थी, वहां से लेके एक लग्जरियस लाइफ दिया, एक लग्जरियस कार दी, और आज इतना अच्छा पिस्टल दिया मुझे, उसके लिए मैं थैंक गॉड कहूंगा। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।